श्राद्ध कर दी पापा की। सामने भैया की पूछो चौबीस घंटे में काम करेंगे। क्या बताएं छोटे लाल जी हैं ये बात करना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दूर तक पैदल चल करके माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के आपने जो माननीय प्रधानमंत्री की धरती के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हाँ नमस्कार सर। क्योंकि आप तो छोटे से आदमी हैं सर, हमारी ये प्रतिज्ञा थी कि हम यहाँ से पैदल चलते जाएंगे, चाहे हमारी कितनों परेशानी आए रास्ते में, वो रास्ते में परेशानी आई तो हमने वो बिल्कुल नहीं समझा, हम तो अपने कदम आगे बढ़ाते गए और लक्ष्य से काम हो गया। क्योंकि हम मोदी जी से मिल के हम बहुत खुशी हुए सर, और मोदी अच्छा लगा ना। हाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम छोटे से आदमी हों और जब देश का प्रधानमंत्री मिलेगा तो कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी हुई सर। आपको लगा होगा कि भारत के अंदर ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री है। हाँ पहले अगर नाम पहले नाम भर जानते थे कि प्रधानमंत्री हैं, मन कोई मिल नहीं पाता, क्योंकि अब वो सबसे मिलते हैं मोदी जी, हमको गले लगाया लिपड़ गए, गले लगा के लिपड़ गए, हंसने लगे, बोले तुम क्या आ रहे ऐसे पैदल चल के इतनी दूर से, कितना परेशानी होगी। हम कहे नहीं सर ये कोई परेशानी नहीं है हमको, वो तो हम अच्छे से आ गए और आपके हमें दर्शन चाहने थे, दर्शन दे दे और मोदी जी को हम धन्यवाद देने के गए थे हम दिल्ली के लिए, और हमने मोदी जी से हमने गरीबों के मसीहा आदरणीय मोदी जी मोदी जी ने क्या कहने दिया, गरीबों के लिए सब कुछ दिया, सम्मल योजना दी, उज्ज्वला योजना दी, आसमान कार्ड दिए, घर घर शौचालय दिया और घर घर कुटियाँ दी और फ्री राशन मिल रहा है, इतने से अच्छा और क्या है, यही तो सब देश के लिए जरूरी है, इसीलिए तो मोदी जी से धन्यवाद करने गए थे। जय हिंद जय भारत जय मोदी तुम्हारी जय हो। अब हम आपसे मिलने भोपाल आएंगे। आइए आइए स्वागत है आपका, जब कहेंगे तब आइए, आप और हम किसी को भी बता देंगे आप आइए। हाँ सर और हम आपका सम्मान करेंगे। हाँ सर ठीक है सर। जय हिंद। नाम है आपका? हमारा छोटे लाल नाम है, छोटे से गांव के रहने वाले हैं, पिपरिया जैतपुर थाना देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश के हम रहने वाले हैं। हमने ये ठाने के क्योंकि हम मोदी जी से मिलने हमें जाना है, तो हम 750 किलोमीटर चल के और 22 दिन में वहाँ पहुँचे, 63 साल हमारी उम्र है, तो हम वहाँ जाके मोदी जी हमसे मिले तो हमको बहुत खुशी है, क्योंकि देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी हमसे मिले, हमें बहुत खुशी है मोदी जी से मिलकर। वहाँ जाके तो मोदी जी को हमने धन्यवाद दिया, क्योंकि वो दलितों के गरीबों के मसीहा आदरणीय मोदी जी, उनने गरीबों के लिए दलितों के लिए क्या कहने दिया, सब कुछ दिया, घर घर शौचालय दे, सम्बल योजना दी, उज्ज्वला योजना दी, घर घर कुटी दी और फ्री राशन दे रहे हैं, यही तो बहुत है गरीबों के लिए, ये इसी के लिए तो हम वहाँ गए थे मोदी जी को धन्यवाद देने। हमारे देश के ऐसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, दिल मोदी मोदी हो गया और की करिए, ये किसने गाया था, हंसराज हंस के चुनाव में हसन मेहंदी ने दिल्ली में गाया था कि दिल मोदी मोदी हो गया और की करिए। जय हिंद जय भारत जय मोदी। क्या बात हुई आपकी, क्या मांग रखी गई आपने? हमारी मांग की यही थी, हमें तो मोदी जी से मिलना है, मांग यही थी हमें मोदी जी से मिलना है, उनके हमको दर्शन मिल गए, वो हमसे गले लिपड़ के अच्छे से बोले, खूब उनने मजा लिया हमारा, हमें यही बहुत है। क्यों कि देश के नेता लोग खुद ये बहुत बड़े होते हैं। कहाँ पे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारे उनके बंगले पे, मोदी जी के बंगले पे मुलाकात हुई थी। कैसे आप पैदल चल के गए या कुछ? हाँ, हम पैदल चल के गए थे, पैदल चल के वहाँ गए
तो मोदी जी ने हमको देख के दोबारा इसे देख के लपड़ गए वो हमसे, और फिर वो पूछने लगे कि कार्य तू कैसे आया है, दे देगी हमें मालूम तो तू तो हम वैसे परेशानी ना हो तर हम आ जाते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।